सो या गुड इवनिंग एवरीवन, ये आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 1 था यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें हमने दोनों जो है हाउसेस के बारे में डिस्कस किया, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसमें हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव, हम लोग पहले चैप्टर में बताया था मैंने, ठीक है, कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ को बनाना, राइट, ये लॉ के हिसाब से चलना, या लॉ के हिसाब से कौन जो है हमें ये एनफोर्स करवाता है, बताइए। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम है ये लॉ को पालन करना, राइट, और हमें भी पालन करवाना, वो किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। और अगर इनकेस हम लोग लॉ के खिलाफ जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, कार्रवाई होता है, तो वो किसका काम है, जुडिशियरी का काम है। ठीक है, जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ओके, आईएएस, सिविल सर्वेंट्स वगैरह सब एग्जीक्यूटिव में आएंगे, राइट। और लेजिस्लेटिव में हमारा पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट ही लॉ बना रहा है। हाँ, तो हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है ये चैप्टर में। हम प्राइम मिनिस्टर क्या है, इसका क्या फंक्शन है, क्या पावर है, प्रेसिडेंट क्या है, उसका क्या फंक्शन है, पावर है, वो सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर्स में। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये चैप्टर के बारे में। पहला है, देखिए कौन है, प्रेसिडेंट, राइट। तो वही है, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंप्लीमेंटेड का मतलब रिप्रेजेंटेड, ओके, रिप्रेजेंट कौन करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव करता है, ओके, जो भी लॉ पार्लियामेंट बना रहे हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ये चारों के चारों आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर होते हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में, कौन है प्रेसिडेंट अभी का, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है कि नहीं। वो कहाँ से हैं, उड़ीसा से ही हैं, हाँ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, रायरंगपुर बोल के एक छोटा सा जगह है, राइट, वहाँ से वो आए हैं, राइट। तो शी इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड सेकेंड वुमन प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल, राइट। प्रतिभा पाटिल वो द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर सेकेंड ये हैं, राइट। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब इंडिया कभी किसी को पूछने नहीं जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से करता है सब कुछ, वो डेमोक्रेसी जो है एंजॉय करता है, कौन, इंडिया। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट मतलब इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, लेकिन वो नाम, सिर्फ नाम, ठीक है, वो सिर्फ जो है एक टाइट्यूलर हेड है टाइप का, ओके, लेकिन चलता है पूरा देश जो है किसके हिसाब से चलता है, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, हमारा इंडिया में, ओके। तो वो नाम मात्र में जो है उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है लिखित में, राइट, नहीं तो उसको मतलब जो प्रेसिडेंट है उनको भी पूरा किसके हिसाब से चलना होता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से चलना होता है, ओके। प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, राइट, प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, रियल पावर इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। नाम उसका रहता है, ठीक है, नाम जो है प्रेसिडेंट का रहता है, लेकिन एंजॉय उसके पावर के हिसाब से एंजॉय कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पेज में उनका नाम रहता है, लेकिन उनके नाम के हिसाब से उनके पोजीशन में कौन एंजॉय कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, वो सिर्फ एक टाइट्यूलर हेड बोला जाता है प्रेसिडेंट को। दोबारा भी उठ सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ 5 साल खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं उठ सकते, दोबारा भी उठ सकते हैं, लेकिन हाँ तीसरी बार नहीं उठ सकते, ओके, 2 बार प्रेसिडेंट उठ सकता है, मतलब 10 साल तक वो शासन कर सकते हैं, एज अ प्रेसिडेंट रह सकते हैं, फिर थर्ड टाइम के लिए वो नहीं उठ सकते, ओके। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए, पहली बात तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए आपको, सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स एवोव, 35 या 35 ईयर्स एवोव रहना चाहिए, उससे छोटा तो क्या ही देश संभालेगा, ठीक है, खुद को संभालनी बड़ी बात है, ओके। तो 35 ईयर्स ऑफ एज कम से कम होना
चाहिए, ठीक है। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जितने भी क्वालिफिकेशन चाहिए एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए, ठीक है, उतने ही क्वालिफिकेशन चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। मतलब प्रेसिडेंट शुड बी कैपेबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, अगर वो वहां पर ही नहीं है कैपेबल, तो प्रेसिडेंट बनने लायक भी नहीं है। ओके, तो लोकसभा का मेंबर बनने लायक क्वालिफिकेशन चाहिए। ही शुड नॉट बी क्रिमिनल। हाँ, डाकू डकैती लोगों को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा क्या? नहीं। हाँ, ही शुड नॉट बी ए क्रिमिनल। ओके, एंड शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। हाँ, पागल नहीं होना चाहिए। पागल के हाथ में आप प्रेसिडेंटशिप दे दोगे तो कैसा हो जाएगा? दिक्कत आ जाएगा ना। तो वो नहीं होना चाहिए। एंड ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। इसका कहने का मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए, मतलब उसका कोई नौकरी नहीं होना चाहिए ये तीनों के अंडर, राइट। जब वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े उठ रहे हैं, तो उनको ये सारे चीज क्या करने होंगे? छोड़ने होंगे, अगर हैं भी तो छोड़ने होंगे। ही शुड नॉट कंटेन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन हीज और हर नेम। समझ में आया? हाँ, पहले अगर होंगे, पहले वो गवर्नमेंट के सर्विसेज मतलब करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, जब उनका नाम दिया जा रहा है, तो वो सब चीज़ उनको वैकेंट करना होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं यहाँ रहती हूँ, अगर प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो चलो फिर यहाँ आ जाऊँगी, ये थोड़ी ना, टाइम पास थोड़ी ना चल रहा है। तो उनको एक बार के लिए सब चीज़ छोड़ना होगा और फिर प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम देना होगा। इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, हम लोग प्राइम मिनिस्टर तो हम चुनते हैं, प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते। दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ओके, ऑडियंस, वी ऑडियंस डू नॉट इलेक्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहाँ से जो है बनते हैं, इलेक्ट कहाँ से होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? ये सारे आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को तो हमने ही बनाया है, एमपी तो हम ही चुनते हैं वोट देके, फिर हमने चुन लिया, एमपी बन गए। ओके, एमएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो भी हम ही चुनते हैं, एमएलए और एमपी, राइट। अब वो जाते हैं कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर फिर वो करते हैं वोटिंग किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली हुआ ना। एमएलए और एमपी को हमने बनाया है, लेकिन प्रेसिडेंट को हम नहीं बना रहे। प्रेसिडेंट कौन बना रहा है? हमारे से चुने हुए एमएलए और एमपी, वो बनाते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, राइट। और उसी में जो है द्रौपदी मुर्मू का जो है जीत हुआ था इस बार, और वो बन गए क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो भी चीज किया जाता है, इट इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। ओके, इट इज डन बाय सीक्रेट इट इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड होगा, वो सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ही और शी मे बी इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म, एक और टर्म के लिए भी वो इलेक्ट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, अगर उसको रिजाइन करना है तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल, आप इलेक्ट हो गए तो आपको 5 साल रहना ही है, आप कर सकते हो रिजाइन अगर आपको अच्छा नहीं लगा, राइट। तो आप पहले रिजाइन कर सकते हो। रेजिग्नेशन लेटर देना होगा किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना होगा, और प्रेसिडेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक प्रॉपर प्रोसेस से हम रिमूव कर सकते हैं, पूरा सबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को बैठे और आप बोल दिए चलो प्रेसिडेंट निकलो, ओके, नहीं। प्रॉपर सबूत होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट को वहां से क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। और तब भी प्रेसिडेंट को जो है 15 दिन का समय दिया जाता है अपने आप को प्रूफ करने के, कि ऐसे ऐसे आपके पीछे ऐसा ऐसा जो है बताया गया है, ये सब चीज़ में आपको फंसाया जा रहा है, क्या आप वाकई में जो है ये सब किया है या नहीं किया है, आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। बाकी लोग को तो वैसा नहीं दिया जाता, बाकी पुलिस लोग करते हैं क्या? अब आप फंसते हो तो आपको क्या समय देते हैं क्या? 15 दिन बाबू तो घर में रहे, ओके, फिर जो है एक और बार आएंगी 15 दिन बाद फिर को लेने, राइट। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग को वो समय नहीं दिया जाता। तो ये तो प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो उनको ये चीज़ का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, राइट। और रिमूव कैसे कर सकते हैं? अगर उनको करप्शन में पकड़ा गया हो प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो कहीं पर करप्ट का कुछ
कुछ करप्शन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो हम उनको निकाल सकते हैं, या फिर वो कहीं पर जो है कुछ ऐसा कर दिया हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक के खिलाफ हो और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया हो, नियम पालन नहीं किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नियम पालन करना आपको जरूरी है ना, अगर उनका नियम आप पालन नहीं करते हो तो यू विल बी आउट, राइट। हाँ, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो आप नहीं फॉलो करोगे तो प्रिंसिपल आपको क्या कर देगी, सस्पेंड कर देगी या फिर आपको स्कूल से निकाल देगी, है ना। तो वैसा आपको जो है क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। तो ये तरीके से हम प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं, वही जिस तरह जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हीज और हर ऑफिस, और वो करता कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही अधिकार है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर हमारा जो आर्टिकल 55 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होंगे, राइट, प्रेसिडेंट, और सारे स्टेट असेंबली उन पे वोट करेगा, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन पे वोट करेंगे, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमपीज उन पे वोट डालेंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली और क्या, पुडुचेरी, राइट। तो यही बताता है कौन, आर्टिकल 55 पार्ट 3। तो ये जाने रहिएगा, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सिलेबस में नहीं है आपके, ओके। फिर आपके पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आएगा, तो पहला है आपका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब देखिए स्टेट का हेड है, फिर वही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो वो नाम मात्र का, राइट। ये जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बेसिक प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब चीज पता होता है, ठीक है, सब चीज क्लियर रहता है कि हाँ उसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है, वो आपस में ये लोग क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं जो है, कर लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या बनेगा करके, वो बस खाली जाके किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को, कि हाँ ये बनेगा, तो प्रेसिडेंट बस बोलता है हाँ ये बनेगा, ओके। तो प्रेसिडेंट का कुछ पावर नहीं है, राइट, वैसे देखोगे तो प्रेसिडेंट बस बोलना है, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन है, उसी को बोलना है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा, राइट। तो वो ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ उन वो कुछ लेके आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ डिसीजन लेके आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट बोलेगी ना नहीं मैं पास नहीं करूँगा, उसको करना है, ओके, उसको पास करना है, वो अगर लेके आ रहे हैं तो उनको पास करना है, राइट, प्रेसिडेंट को। वो एक बार के लिए बेशक हाँ बोल सकते हैं कि हाँ ये एडिट कर दो या कुछ कर दो, मैक्सिमम, ऐसा मना नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। और जब एडिट के लिए दोबारा गया और फिर पार्लियामेंट से एक और बार ये बिल आता है दोबारा, ओके, दोबारा अगर प्रेसिडेंट को नहीं भी अच्छा लग रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है, तब भी प्रेसिडेंट क्या करेगा, साइन करेगा, ओके, दोबारा पास हुआ है ना पार्लियामेंट में, पहली बार चलो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि हाँ कुछ एडिट करना है या कुछ करना है, फिर दोबारा जब आएगा फिर से, तो अगर तब भी प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं है बट स्टिल ही और शी नीड टू साइन, ओके। तो बस जो है नाम में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल है कौन, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका ही ज्यादा चलता है इंडिया में, ओके। स्टेट के गवर्नर, हमारा उड़ीसा का गवर्नर कौन है, रघुवर दास, ओके, पहले कौन था, गणेशी लाल, राइट। तो उनको सभी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी वही करते हैं अपॉइंट, हाई कोर्ट के जज को भी वही अपॉइंट करते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में कितने हैं, एक ही होगा, सुप्रीम कोर्ट है ना, तो एक दो चार तो नहीं हो सकते, एक ही होंगे, और हाई कोर्ट कितने हैं, 21, ठीक है, 21 हाई कोर्ट्स हैं, और हमारे उड़ीसा के हाई कोर्ट कहाँ पर है, कटक में, ठीक है, ये आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जाने रहिए जनरल नॉलेज। और ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, प्रेसिडेंट क्या है, एक सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्स, ठीक है, नेवी,
लेजिस्लेटिव पावर में अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट के हिसाब से लोकसभा को बुला मतलब लोकसभा का मीटिंग बुलाया जा सकता है। लोकसभा के सेशंस को क्या कर दिया जाता है, बीच में बंद भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कहने में। ओके, हमको पता है कि एटलीस्ट साल में कितने बार मिलने चाहिए, 2 बार तो मिलना ही चाहिए, सेशन एटलीस्ट ट्वाइस, और गैप कितना होना चाहिए, कम से कम 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में 6 महीने के ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेशन गैप। ओके, तो वो सेशन कभी भी प्रेसिडेंट बुला सकता है या कभी भी सेशन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, बंद कर सकता है। प्रोरॉग का मतलब वही है, लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है अपने हिसाब से। ओके, इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास। वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को वही एड्रेस करता है सबसे पहले, ही एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर एड्रेस कौन करेगा पहले, प्रेसिडेंट। एवरी बिल टू बिकम अ लॉ नीड प्रेसिडेंट सिग्नेचर, कोई भी बिल पास कर रहा है अगर उसको एक लॉ बनना है, एक नियम बनना है, तो उसके नीचे किसका सिग्नेचर होना चाहिए, प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं है तो कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, एक नियम नहीं बन सकता है, उसका सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ओके, ही कैन इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, सपोज आप सेशन नहीं करवा रहे, सेशन नहीं हो रहे लोकसभा, मतलब जो भी पार्लियामेंट के सेशंस नहीं हो रहे हैं, तो आप कुछ एक टेम्पररी लॉ बना सकते हो। आप सेशन तो नहीं बुला सकते, ओके, बुला सकते हो, लेकिन हाँ कोई कारणवश आप नहीं बुला पा रहे हो, तो प्रेसिडेंट कुछ एक क्या कर सकते हो, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब सेशन होगा तब वो डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये मैंने ऐसा ऐसा किया था करके। ठीक है, मतलब सेशन से पहले अगर आपको कुछ टेम्पररी लॉ बनाने हैं, परमानेंट लॉ नहीं, कुछ टेम्पररी लॉ, तो प्रेसिडेंट बना सकता है। और फिर जब सेशन होंगे वहां पर उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि ऐसे ऐसे मैंने सेशन के बाहर ऐसे ऐसे ये टेम्पररी लॉ बनाया था करके। ओके, तो वो प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है जब सेशन होगा। ओके, तो ही कैन इशू ऑर्डिनेंस। और प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर भेजता है अकॉर्डिंग टू दी क्या फील्ड, कोई एजुकेशन फील्ड से होता है, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से होता है, कोई स्पोर्ट फील्ड से होता है, कोई कल्चरल फील्ड से होता है। ठीक है, राइट, हाँ, तो वही 12 मेंबर राज्यसभा में भेजा जाएगा, और 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। लोकसभा में 2 मेंबर भेजता है कौन, प्रेसिडेंट, और राज्यसभा में कितने, 12 मेंबर्स। ओके, फाइनेंशियल पावर के बारे में अगर बात करें प्रेसिडेंट का, तो पहला है देखिए, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट एन एडवांस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। ओके, अगर इन केस कोई अनफॉर्सिन इवेंट हुआ, राइट, जो नहीं आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है या कुछ, ओके, हो गया, कोई हादसा ऐसा हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है उस समय, कुछ फाइनेंस हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है, राइट। तो वो अपने कंटिजेंसी फंड से कुछ क्या कर सकता है, एडवांस दे सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मनी बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में, राइट, तो वो किसके हिसाब से होगा, प्रेसिडेंट के हिसाब से ही होगा। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है तभी वो पास होगा पार्लियामेंट में, नहीं तो नहीं। और फिर जो बजट प्रेजेंट करता है कौन, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, आ गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में बजट लेके आता है, तो ये बजट भी किसके नाम से बोल पहले जो है बताया जाता है, बोला जाता है प्रेसिडेंट के नाम। ओके, बजट मतलब किस प्रकार से देश चलने वाला है आगे, 1 साल, 1 साल उसी हिसाब से चलता है, राइट, एक बजट बनाया जाता है। तो ये बजट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेम ऑफ क्या, प्रेसिडेंट। ये था आपका फाइनेंशियल पावर। अगर जुडिशियल पावर देखा जाए तो प्रेसिडेंट का क्या है, पहले तो ही कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस। अगर आपको मुजरिम माना गया, ठीक है, आपको सजा हो गई, आपको 10 साल का सजा हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, ये जो है क्या बोल सकते हो आप, पावर है कि वो आपका 10 साल का 20 साल भी कर सके, और 10 साल का 5 साल भी कर सके, या 1 दिन भी कर सके, या ना भी कर सके। तो प्रेसिडेंट के पास ये पूरी तरीके से पावर है, राइट। अगर मुजरिम आप जाते हो, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने कि ऐसा ऐसा मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, वो किया गया, ये किया गया, ठीक है, तो आपको
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, माफ भी कर सकता है, या फिर आपका 10 साल का जो है क्या कर सकता है, 20 साल भी कर सकता है। तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ये क्यों कर रहा ही इज नॉट आंसरेबल। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको पूछेगा कि हाई कोर्ट अगर उसको पूछेगा भी प्रेसिडेंट को कि भाभा तुम क्यों किया ऐसा, नहीं ही इज नॉट आंसरेबल, मेरा मन वैसा है, ठीक है। ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ही अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को वही बनाता है प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही बनाता है, ठीक है। ये है जुडिशियल पावर। इमरजेंसी पावर के बारे में अगर बात करें तो अ प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देयर इज अ डेंजर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल अपराइजिंग थ्रेटनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि हाँ हमारे नेबर्स अटैक करने वाले हैं, राइट, आए दिन जो है ऐसे न्यूज आते रहते हैं ना, कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो जब अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ मुझे इमरजेंसी डिक्लेयर करना होगा, मेरे देश के लोगों को संकेत देना होगा कि हाँ ऐसा ऐसा हम पे वॉर हो रहा है और हमें जो है क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, हमें बच के रहना चाहिए, या फिर कुछ इंटरनल अपराइजिंग हो गया, मतलब हम जो है अंदर इंडिया के अंदर ही जो है दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई या कुछ, ओके, होता है कभी कभी, हाँ हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो गया सोच लो, या कुछ हो गया, या जो है ये हो जाएगा, ओके। तो इस केस में भी जो है हमारा पीस और सिक्योरिटी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा ना। तो प्रेसिडेंट उस टाइम क्या कर सकता है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देर इज अ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। कुछ भी अगर हो, अगर आपको पैसे का दिक्कत हो या कुछ हो, ठीक है, राइट, तो प्रेसिडेंट आपको क्या कर सकता है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, राइट। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हुआ, खत्म हो गया पैसा देश के पास, हाँ ऐसे भी कंडीशंस आते हैं जब देश के पैसे खत्म हो जाते हैं, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली द टाइटुलर हेड ऑफ द कंट्री, ही और शी कैन एक्सरसाइज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। मैंने ये बार बार आपको बोला जा रहा है कि वो सिर्फ एक नाम है, राइट, लेकिन नाम के पीछे का पावर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट भी चलता है किसके एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही प्रेसिडेंट चलता है, ओके। तो फिर हेड कौन हुए, रियल हेड कौन हुए, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, ठीक है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक नाम है जिसपे सारा काम चल रहा है, किसका, प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ओके। फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, ओके, जगदीप धनखड़। तो उनका अभी रोल बहुत कम है, उनका रोल तो प्रेसिडेंट से भी कम ही होगा क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो तभी एक्शन में आएंगे जब प्रेसिडेंट जो है कंट्री से बाहर है, ठीक है, कोई काम की वजह से कंट्री से बाहर गए हुए हैं या बीमार है, तब हो सकते हैं उनका पावर आ जाता है, प्रेसिडेंट का रोल जो है निभाया जाता है, ओके। या फिर अचानक मर गई, ओके, अचानक प्रेसिडेंट अगर मर जाती है या मर जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, वो पावर ले लेगा प्रेसिडेंट का, या फिर वो रिजाइन कर दी कोई कारण की वजह से, या कोई रेजिग्नेशन मिल गया प्रेसिडेंट से, तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बनता तब तक वो एंजॉय करेगा एज प्रेसिडेंट, राइट। या फिर और क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है, निकाला, अगर इन केस प्रेसिडेंट को निकाला गया है कोई कारणवश तो उनको बना दिया जाता है क्या, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, कुछ समय के लिए, जब तक हमें एक नया प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता, वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स व्हाट, प्रेसिडेंट, ओके। तो वो भी जो है वैसे ही इलेक्ट होते हैं जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वही बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं, वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और वो क्या है, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर बहुत बार एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेम द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, वो आपको याद रखना है, ठीक है। और वो
प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कब तक करेगा? जब तक हमें एक न्यू प्रेसिडेंट नहीं मिल जाता है। ओके, उसके क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल समान है प्रेसिडेंट के लिए जैसा ही, लेकिन प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा बनने लायक होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने लायक होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब तो सेम है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड नॉट बी अ क्रिमिनल, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये मैंने बताया हुआ है पहले से। ठीक है, फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पूरा देश को पागल कर रखा है उन्होंने, है कि नहीं? इतना क्रेज है प्राइम मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया। सबसे पावरफुल ऑर्गन वो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन नाम मात्र के। प्रेसिडेंट जो है बनाता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन वो आपस में ही जान जाते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो जाके बस बोल देते हैं प्रेसिडेंट को, भाई तू ऐसा ऐसा बोलना करके। तो प्रेसिडेंट बोलता है हाँ मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा। ओके, तो वो पहले से उनका डिसीजन हो गया होता है कि ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। बस वो जाके क्या बोलता है? प्रेसिडेंट को बोलने के लिए बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट बस बोलता है, राइट? तो फिर मेन हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो हम लोग का हो रहा है इलेक्शन हो रहा है, जिसमें जो पार्टी जीतता है, जैसे इस बार बीजेपी जीता। ओके, मेजोरिटी, मेजोरिटी कौन लाया? बेशक हाँ प्रॉपर मेजोरिटी तो नहीं पाया बीजेपी इस बार, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वोट किसने पाया? बीजेपी ने पाया। ओके, तो बीजेपी से ही जो है क्या होगा, लीडर बनेगा और वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कौन? बीजेपी पार्टी से। तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज नेसेसरली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यूजुअली, हम नहीं बोल सकते कि हमेशा, ओके, हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन यूजुअली जिसको ज्यादा वोट मिला रहता है वही बनता है क्या? प्राइम मिनिस्टर, राइट? द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द अदर मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर ये प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है? फिर जो एमपीज हम लोग को मिले हैं ना, हाँ, वो एमपीज से फिर वो बाकी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाता है, सब चीज जो है बनाता है। ओके, कौन कौन बनाता है? ये प्राइम मिनिस्टर बनाता है। फिर सम टाइम एक जो एमपी नहीं भी है, सोच लीजिए एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी की तरह वो इलेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी मिनिस्टर बन जाते हैं। कभी कभी मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। ओके, लेकिन उस केस में क्या होता है फिर? बट इन दैट केस ही हैज टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। ठीक है, एक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन उस केस में क्या करना होगा? उसको अपना नाम किसी भी मेंबर, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देना होगा विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में वो एमपी बनना पड़ेगा उसको, ठीक है, मतलब एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो चलेगा, मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ेगा। और अगर नहीं बन पाया वो, तो फिर वो क्या करेगा? ही नीड टू रिजाइन हिज पोस्ट फॉर एज अ मिनिस्टर। ठीक है, 6 महीने का जो है उसको टाइम दिया जाता है, 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, मतलब अगर इनकेस कुछ हुआ, जैसे अभी इंडियन कैप्टन, जैसे क्रिकेट टीम में जीतता है तो चलो हाँ कैप्टन बहुत अच्छा है, और हार जाने से तुरंत बोलते हो कि हाँ कैप्टन इसके वजह से हारे। ओके, यही हो रहा था ना मुंबई इंडियंस में। जब मुंबई इंडियंस जीत रहा था तो हाँ हार्दिक पांड्या ठीक है सही है, और जब हार गया तो बस हाँ रोहित शर्मा को निकालने से यही होता है, ले गया ले डूबा मुंबई इंडियंस को पूरा, ऐसा बोलते हो ना तुम लोग। तो यहाँ पर भी पूरा वैसा ही है। अगर देश अच्छा कर रहा है, देश का सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, और अगर देश का अच्छा नहीं हुआ तो हाँ प्राइम मिनिस्टर बेकार है, ओके, डिसिप्लिन नहीं रख रहा है, कुछ नहीं रख रहा है। ओके, तो पूरा का पूरा जो है किस पे आ जाता है? प्राइम मिनिस्टर पे आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आ जाता है। तो दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। जब तक उनको मेजोरिटी मिलता रहता है, जब तक उनको वोट मिलता रहता है, वो लोग ये ऑफिस में रहते हैं। अभी जैसे 15 साल से नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है,
वो रह रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब अगर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलता है तो वो नहीं रहेंगे, जो नहीं मिलेगा उनको, राइट, हाँ, तो वो नहीं रहेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में। दे रिमेन इन देयर पोस्ट टिल द लोकसभा टर्म, और 5 साल, जैसे लोकसभा का 5 साल होता है वैसे उनका भी क्या होता है, 5 साल ही होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमें पता है, ही अपॉइंट एंड डिसमिसेस मिनिस्टर एंड कोऑर्डिनेट देयर फंक्शन। वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, उनको अपना अपना रोल दे सकते हैं, सभी को अपना अपना पोर्टफोलियो दिया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट, किसी को तू बाबा एजुकेशन डिपार्टमेंट देखना, तू रेलवे डिपार्टमेंट देखना, तू जो है होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट देखना, तू डिफेंस का डिपार्टमेंट देखना, ओके। तो वैसे पोर्टफोलियो क्या होता है, बांट दिया जाता है, वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर ही कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, ओके, वो कम्युनिकेट करते, राइट, जो भी डिसीजन लेना होता है वो कम्युनिकेट करके देते हैं, राइट, प्रेसिडेंट के सामने ये रखते हैं। फिर ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ही वो क्या करते हैं, मीटिंग पे प्रिसाइड करते हैं, ओके, उनके हिसाब से ही जो है मीटिंग बुलाया जाता है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में वो जो है एड्रेसेस करते हैं, कौन, प्राइम मिनिस्टर। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू समॉन, प्रोरोग और डिसॉल्व द लोकसभा, ये भी देखो प्रेसिडेंट नहीं करता है, वो प्रेसिडेंट को बोला जाता है, कौन बोलता है, प्राइम मिनिस्टर, बाबू तू समॉन कर या प्रोरोग कर या डिसॉल्व कर, तो प्रेसिडेंट बोलता है हाँ जी हजूर ऐसा किया जाएगा, ओके। तो वही सब कुछ करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, एडवाइजेस, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट इन इंपॉर्टेंट पोस्ट, तो वही प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं, हाँ उसको बनाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है उसको बना देते हैं, राइट। तो सारे चीज की जो है डिस्कशन किया जाता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, फिर ही जो है क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि यही करना है तो प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ, प्रेसिडेंट अपना दे सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, ठीक है, लेकिन चलने वाला प्रेसिडेंट किसके हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही चलने वाला है, ओके, राइट। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड कर रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड ऑन बाय मिनिस्टर हु आर इन लार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात करें तो 3 कैटेगरीज है, एक है कैबिनेट मिनिस्टर, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा क्या है, डिप्यूटी मिनिस्टर। इसका कहने है, यहाँ पर ध्यान रखना, कैबिनेट मिनिस्टर में सारे सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स हु आर गिवन इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज, जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना उनके हाथ में होते हैं, राइट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट चार्जेस लेते हैं, ठीक है, वो भी जो है बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, लेकिन हाँ वो लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अधिकार नहीं है, इजाजत नहीं है कैबिनेट मीटिंग में शामिल होना, ओके, कैबिनेट मीटिंग में वो शामिल नहीं हो सकते। कैबिनेट मीटिंग जो होगा ना उनमें शामिल नहीं हो सकते, कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर में वही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को न्योता नहीं दिया जाता, ओके। और फिर आते हैं क्या, डिप्यूटी मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर तो वैसे ही क्या है, डिपेंडेंट है, राइट, डिपेंडेंट चार्ज, मतलब वो तो उनके हिसाब से ही चलने वाले डिप्यूटी मिनिस्टर्स है ना, उप मिनिस्टर, उप सरकार जो बोलोगे आप, ठीक है, तो डिप्यूटी मिनिस्टर उनके हिसाब से चलते हैं, राइट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज अ टीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक टर्म है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जोड़ के, दोनों मिलके, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलके जो है इंडिया का क्या करते हैं, रेख देख करते हैं, ठीक है, भारत का रक्षा करते हैं। अगर भारत में कोई भी आंच आया तो किसको पकड़ा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पकड़ा जाएगा, राइट। तो एक साथ एज अ टीम रहते हैं वो लोग। अगर इन केस आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर दिया उनके खिलाफ,
अगर उनके खिलाफ आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन खिलाफ कर दिया किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ, ओके, तो क्या होगा? पूरा का पूरा काउंसिल खराब हो जाएगा, ओके। अगर एक के पीछे भी आपका क्या हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने डाल दिया, तो द होल मिनिस्टरशिप क्या होगा? बंद हो जाएगा या हैज टू रिजाइन, हैज टू क्विट, ओके। मतलब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? क्विट करना पड़ेगा। या फिर किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब लोग को क्या करना पड़ेगा? क्विट करना पड़ेगा। मतलब एक का गलती सबको भुगतना है, समझ में आया? तो वो चीज है। अगर उनके बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। बिल्स आर यूजुअली टेबल्ड इन पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। मिनिस्टर से ही जो है क्या होता है, बिल टेबल्ड किया जाता है, मतलब बिल जो है पास किया जाता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एनुअल बजट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही जो है एनुअल बजट बनाते हैं, ओके। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एनुअल बजट एंड एज सच इज इन चार्ज ऑफ नेशनल फाइनेंस। तो नेशनल फाइनेंस किसके हाथ में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में ही है। फिर एक टर्म है कोहलिशन गवर्नमेंट, आपने सुना होगा। कोहलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या? गठबंधन, ओके। गठबंधन का मतलब क्या होता है? जैसे इस बार का इलेक्शन में बीजेपी को पूरा मेजोरिटी नहीं मिला। पूरा मेजोरिटी पाने के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए। तो क्या बीजेपी को 272 सीट्स मिला? नहीं मिला। बीजेपी को कितना मिला? 240 कुछ मिला शायद, 240 सीट्स जो है बीजेपी को मिला। तो कम से कम कितना का कम हो गया? 32 सीट्स का कम हो गया, ठीक है। इसीलिए बीजेपी ने जो है फिर अलायंस बनाया। अलायंस मतलब क्या? कुछ और पार्टियों का मदद लिया, जैसे कि टीडीपी। टीडीपी पार्टी है साउथ में, आंध्र प्रदेश में, ओके। शिवसेना पार्टी है महाराष्ट्र में, राइट। फिर नीतीश कुमार का पार्टी है, राइट, बिहार में नीतीश कुमार का पार्टी है। वो सबका जो है उसने क्या किया? हेल्प लिया और 272 सीट्स जो है उन्होंने दिखाई, राइट। अब वो मिलके एक गठबंधन बनाए, ठीक है, एक पार्टी बनाए, अलायंस पार्टी बनाए, और वो अब इंडिया को रूल कर रहे। अभी कल को, आज तो चलो प्राइम मिनिस्टर बन गए नरेंद्र मोदी, अगर कल को वो बोलते हैं, टीडीपी बोलता है कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है ना? है? मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, और बोलेगा मेरा सीट मुझे वापस दे। तो जब टीडीपी अपना सीट ले लेगा, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सीट ले लेगा, शिवसेना का शिवराज चौहान वो अपना सीट ले लेगा, ओके। तो फिर उतना में ही आ गया वो, फिर से वो 240 की सीट में ही आ गया ना, तो फिर क्या होगा? सरकार गिर जाएगा, राइट। सरकार गिर जाएगा और फिर से इलेक्शन होगा, राइट। अगर वो लोग बीच में भी अगर अपना सीट ले लेते हैं, तो फिर मेजोरिटी तो नहीं हुआ ना, तो फिर कैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? फिर जो है इलेक्शन किया जाएगा, फिर इलेक्शन में जो जीतेगा फिर वो बनेगा, समझ में आया? वो होता है। तो दैट इज ओनली कोहलिशन गवर्नमेंट। जब हमें पूरा मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो हम बाकियों के पार्टी को मिला के अपना एक गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट इज कोहलिशन गवर्नमेंट। यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, ओके। यूजुअली वैसा माना जाता है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा वोट है उसी का प्राइम, जैसे बीजेपी के पास ज्यादा वोट था तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। यूजुअली हर बार नहीं, कब मैक्सिमम टाइम वैसा होता है, ठीक है। अगर हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में देखें, कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैं, ओके। तो ये राजनाथ सिंह है, हाँ, उनको क्या दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ओके। अमित शाह आप जानते होंगे, ओके, उनको क्या दिया हुआ है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, वो डिपार्टमेंट उनके हाथ में। सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बीजेपी के। नितिन गडकरी, ओके, नितिन गडकरी को क्या दिया गया? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ओके, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिया गया है। फिर जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, उनको क्या दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल फैक्ट्री,
फर्टिलाइजर, वो दो चीज दिया गया है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। फिर है क्या, शिवराज सिंह चौहान, उसको क्या दिया गया है, उनको क्या दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सड़कें बनाओ, अच्छे बनाओ, देश को उन्नति करवाओ, ठीक है, गांव वगैरह सब उन्नति करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को। श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, देश का पूरा जीडीपी उनके हाथ में है, ओके, तो वही है फाइनेंस मिनिस्टर, बजट वगैरह सब पार्लियामेंट में कौन पेश करता है, वही करते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी वही है। पीयूष गोयल इज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिल्डअप कराना है इंडिया को, जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, तो पीयूष गोयल से बात करिएगा आप, ओके, वो आपको ये करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे। मनोहर लाल है वो, ठीक है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्टर्स ऑफ पावर, दैट इज मनोहर लाल। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के हैं, वो क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अगर कोई भी पॉलिसी कुछ नए आते हैं एजुकेशन में तो उनका इसके पीछे कारण है वो, ओके। अश्विनी वैष्णव, ओके, अश्विनी वैष्णव इज मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्टर वो हैं, ओके, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स भी अश्विनी वैष्णव ही हैं, ओके। भूपेंद्र यादव इज अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, फॉरेस्ट फील्ड, एनवायरनमेंट फील्ड, तो उनका सबका देखरेख कौन करता है, भूपेंद्र यादव। गिरिराज सिंह है, ठीक है, दैट इज अ मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, बहुत जरूरी है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कपड़े, ओके, तो टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कौन है, गिरिराज सिंह। गाजेंद्र सिंह शेखावत, ओके, गाजेंद्र सिंह शेखावत इज मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म बढ़ाना है, राइट, लोगों को दिखाना है कि इंडिया के अंदर क्या क्या है, तो यही है, ओके। चिराग पासवान, ओके, दैट इज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है, चिराग पासवान, राइट। तो दैट वाज योर, और भी हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, कुछ ये जाने माने नाम हैं या बड़े बड़े फील्ड हैं, ओके, तो और भी बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ एक बार आप जानिए रहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो ये चैप्टर में यही सब था, तो होप आपको सब समझ में आया होगा, और लास्ट में ये सारी चीज़ें आपके बुक में तो नहीं दिया गया है क्योंकि हर बार चेंज होते हैं वो सब, राइट, लेकिन अभी का प्रेजेंट सिनेरियो आपको जाने रहना चाहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच।